दोस्तों ये वीडियो उन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनको अभी तक एड्स ऑन रील और परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिला आई एम इंटरेस्टेड पे सबमिट करने के बाद। दोस्तों आप सभी को बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा था कि भाई हमें बताओ कि आखिरकार हमने अभी तक सबमिट कर दिया और फिर भी हमें बोनस का ऑप्शन और एड्स ऑन रील का ऑप्शन नहीं मिला है। जैसे कि आप सबको पता होगा कि फेसबुक का नया अपडेट आया था, जिस अपडेट में आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आया था, उस ऑप्शन में बहुत सारे लोगों ने सबमिट किया, अच्छे से सबमिट किया, फिर भी उनका जो है कि फेसबुक पर परफॉर्मेंस बोनस और एड्स ऑन रील नहीं मिला। तो उन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करते दिखाता हूं आपको कि क्यों नहीं मिला और क्या रीजन है और कैसे उसको सबमिट करना है, और अब आपने सबमिट कर दिया और अभी तक नहीं मिला है तो कैसे ले सकते हो। चलिए मोबाइल के स्क्रीन पे चलते हैं यहाँ पे और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे हम लोग। देन देखो मैंने एक पेज को ओपन करके रखा है जिस पेज का नाम है किटकिट बॉय, ठीक है। जस्ट हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये ओपन हो रहा है अभी, एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे, देखो स्क्रॉल करते हैं यहाँ पे, ये मोनेटाइजेशन का एक ऑप्शन है। जस्ट हम लोग मोनेटाइजेशन पे टैप करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते रहना ध्यान से, देखो यहाँ पे एड्स ऑन रील पे क्लिक करेंगे। इसमें भी देखो आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आया है, फिर भी हम लोगों ने सबमिट नहीं किया, आखिरकार क्यों। चलिए बैक आ जाते हैं, देन बोनस पे क्लिक करेंगे। देखिए बोनस पे भी सेम ऑप्शन आया है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, आप में से बहुत सारे लोगों ने गलती कर दिया है कि जैसे आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन आया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे क्लिक करके उन्होंने फॉर्म को सबमिट कर लिया। अब उन्होंने देखा ही नहीं कि उनके पेज पे क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, जिस वजह से उन्होंने सबमिट कर दिया और अभी तक उनको नहीं मिला है। अब देखो पेज को सबसे पहले आपको चेक करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से बैक हो जाते हैं, देन यहाँ पे फिर से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, और डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद नीचे आते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे और बैक करते हैं, इसको बैक करते हैं, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। देन इसको देखो ये जो पेज रिकमेंडेशन आपको दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे पेज रिकमेंडेशन, हमें इसी पे क्लिक करना है। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो देखो पेज पे क्या इशू है, पेज हैज फ्लैग कंटेंट, पेज पे फ्लैग कंटेंट है, एक तो ये इशू है। तो इस पे मैं भेजूंगा तो कभी भी नहीं मिलेगा सबमिट करने के बाद भी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, पेज का स्टेटस चेक कर लेना है तभी सबमिट करना है। चलिए इस पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे पेज है तो पेज स्टेटस दिखा रहा है, अगर आपका प्रोफाइल होगा तो प्रोफाइल स्टेटस दिखाएगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो ये क्या बता रहा है, पेज तो रिकमेंडेबल है लेकिन यहाँ पे पेज पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन हो चुका है। अब बताओ कि फेसबुक ने इस पेज का मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड कर दिया, तो क्या इस पेज पे हम सबमिट करेंगे तो मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। बाकी चलिए रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब क्या स्थिति है, यहाँ पे ये देखिए रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, तो पेज रिकमेंडेबल है। बस यही है कि पेज स्टेटस पे जो हमारा मोनेटाइजेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है। चलिए बैक आ जाते हैं। देन बैक आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मतलब ठीक होगा, तो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले तो आपको इनस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करना है। देन चलिए यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हो क्या कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ चुका है, ये ग्रीन नहीं है। अगर आप लोगों का भी है तो कमेंट करना, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। जब इसको ठीक करेंगे उस वक्त मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करते हो कि अगर आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी है तो उसको कैसे ठीक करें, तो मैं वीडियो बना दूँ। बाकी आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको इस चैनल पर फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ। तो अब हम लोगों को इस पर लेने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अब चेक करना है कि आपने जिस पेज पे सबमिट करा है क्या उस पेज पे सेम ऐसा इशू तो नहीं ना है। अगर ऐसा इशू है तो आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं, और उसको चेक करने के लिए जैसे आपने इस पे देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आए, आपने जिस पेज पे सबमिट किया होगा उस पेज को भी सेम इसी तरीके से चेक कर सकते हो। जैसे कि पेज रिकमेंडेशन पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे देखना ये मेरा फ्लैग कंटेंट है तो आपका पेज है सम इशू हो सकता है, क्या पता। यहाँ पे पेज स्टेटस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखना आपका मोनेटाइजेशन रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं ना है, तो आपने सबमिट भी किया होगा तो नहीं मिलेगा। देन उसके बाद मोनेटाइजेशन पे क्लिक करके ये सब ठीक करना है आपको, तब जाके अप्लाई करना है। और ये इंस्ट्रीम ऐड पे क्लिक करना है, ये देखो इंस्ट्रीम ऐड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बताएगा कि भैया आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी ठीक है या नहीं है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट वीडियो था। बाकी आप लोगों को पता ही है कि भाई मैं फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ, तो भाई देखो चैनल पे बहुत सारी वीडियोज है, आप देख लेना सभी। देखो यहाँ पे सारा वीडियोज है तो देख लेना आप लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं एकदम जेन्युइन कंटेंट और सही कंटेंट बताता हूँ।
बाकी चलिए दोस्तों, मैं आप सबको बता दूं कि आप में से बहुत सारे भाई लोग हमें यही मैसेज कर रहे थे कि भाई हमें अभी तक नहीं मिला। तो भाई उन सबके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिन लोगों ने अभी तक सबमिट तो कर दिया लेकिन उनका अभी तक मिला नहीं है। तो ये चीजें ध्यान रखो, इसको सेफली, जो अगर आप लोग फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हो तो इन चीजों को समझो, सीखो। और इन चीजों को सीख कैसे सकते हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं किस लिए हूँ ये सारी चीजें आपको जेन्युइन चीजें बताता हूँ। आपको पता है किट बॉय मतलब ऑथेंटिक, हर एक चीज यहाँ पे विद प्रूफ और लाइव प्रूफ दिखाया जाता है, हर एक चीज जेन्युइन बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, भूलना मत। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन सही लगे, सही जानकारी लगे और आपको कुछ हेल्प मिली हो तो भाई एक लाइक कर देना। आपका जो भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है कमेंट करना, जितना हो सके आपका भाई फास्ट रिप्लाई करने की कोशिश करेगा अगर कमेंट में सॉल्व करने लायक होगा तो। अगर ज्यादा कमेंट आ रहा है किसी एक कॉमन चीज पे तो उसके लिए एक अनदर वीडियो बना दी जाएगी उस टॉपिक पे। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना दोस्तों।